हजारवी एक हमारे लोक गुलकार हैं पाकिस्तान के, बहुत मशहूर हैं और आलमी सतह पर इनका एक रिकॉर्ड है, उनसे आपकी मुलाकात और सवाल और जवाब भी इस इसका एक मकसद था, उसके लिए आपको सबको दावत दी है। तो पहले इसे ब्रीफ कर दूँ कि नईम हजारवी के प्रोग्राम अब्दुल्कारली मेहर तरतीब दे रहे हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत से जो है वो प्रोग्राम तरतीब किए इधर, लाला ताउला इसा हेलवी का और चंद मजीद गुलकारों का, और पाकिस्तान के आर्ट को बरतानिया में प्रमोट करने में इनका एक बहुत करदार है और ये काबिल तहसीन करदार है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त नईम हजारवी के जो प्रोग्राम अब तक कुछ हो चुके हैं और अब तक जो तरतीब है वो ये है कि 22 अगस्त को ब्रैडफोर्ड में और 25 अगस्त को मानचेस्टर, ग्रेटर मानचेस्टर के इलाके ओल्डम में, और उसके अलावा 28 को लंदन, 28 को लंदन में और 29 बर्मिंगम, और 28 को लंदन में और 29 को बर्मिंगम में, उसके बाद एक आध दिन रेस्ट के बाद 30 अगस्त को नईम हजारवी दुबई रवाना हो जाएंगे जुल्फकार अली मेहर के हमरा, क्योंकि वहाँ पर इनके बहुत ग्रैंड शोज होने हैं चंद माह में, दो तीन माह में, और उन इंतजाम का जायजा लेने के लिए ये दुबई जाएंगे और उसके बाद ये पाकिस्तान चले जाएंगे। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने सवाल को ब्रीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम, जैसे हमारे सीनियर साहब भी महबूब भट्ट साहब ने आपको इन्फॉर्म किया सारी सिचुएशन की, हम किस तरह से कौन से शोज कर रहे हैं, उसको एक मतलब रिपीट कर लेता हूँ कि 22 अगस्त को हमारा ब्रेडफोर्ड में ट्यूजडे को शो होने वाला है। इससे पहले हमारा जो पहला शो हुआ है शेफील्ड में अलहमदिल्ला काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया को जा चुकी है, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट शोज़ थे जो मुख्तलिफ डेट्स में होते रहे हैं, और एक स्पेशली 10th को जिसके लिए नईम हजारवी साहब ने बहुत ही हमारी रिक्वेस्ट को और उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए 10 तारीख को शो किया था लंदन में, जो कि बहुत बड़ा शो था, प्राइवेट शो था, और किसकी शादी थी और वहाँ पर उन्होंने सरप्राइज रखा था नईम हजारवी साहब को। जब नईम हजारवी साहब वहाँ पर स्टेज पर आए तो लोग चीखें, लड़कियाँ पहले यकीन नहीं करेंगी, फिर चीखें मारे थे बाराती वगैरह जो थे भाई अलहमदिल्ला। उसके बाद फिर हमारे कंटिन्यूसली कुछ प्राइवेट शो होते रहे, लेकिन फर्स्ट कमर्शियल शो शेफील्ड में हुआ था, चौधरी अहमद साहब ने अरेंज किया था और मुख्तलिफ मीडिया ने उसको कवर भी किया है। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो 22 को जो कमर्शियल प्रोग्राम है ब्रेडफोर्ड में होना है, उसी के बाद ओल्डम ग्रेटर मानचेस्टर में 25 फ्राइडे को होना है, और 28 लंदन में है बैंक हॉलीडे उस दिन होना है, 29 को बर्मिंगम में, उसके बाद 30th को रेस्ट है मुंबई का, और 31st को फ्लाइट है दुबई के लिए, 4-5 दिन वहाँ पर जो जैसे आपने फरमाया था जा रहा है। ये हमें रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत ही ये प्रोग्राम्स करने के लिए काफ़ी लगन करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है डिफरेंट प्रोमोटर्स से भी कि वो हम अगर आपस में मिलजुल के प्रोग्राम की डेटें अगर तरतीब करके हम रखें तो यही ऑडियंस होती हैं, इन्होंने ही आना होता है, इन्होंने ही सारे इन्जॉयमेंट करनी होती है। अब हमारे लिए ये जो प्रोग्राम था नईम हजारवी साहब, उन्होंने कहा था नईम हजारवी साहब को देखना ही देखना है, ये हर सूरत में हमें वो बड़े हॉल में करना पड़ा, वरना छोटा हॉल लास्ट टाइम भी किया था तो उसमें लोग वापस चले जाते हैं, तो अभी इस मरतबा चांस मिल गया हमें ओल्डन में करीब यही था मानचेस्टर में जिसमें हमने किया है, और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा अक्टूबर में हमने किए थे नईम हजारवी साहब के और हाउस फुल शो थे, तो हमारे साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक है नईम भाई का और आते रहते हैं मानचेस्टर यूके प्रोग्राम्स के सिलसिले में, और अक्सर तो इनको स्पेशली बुलाया जाता है शादी के सिलसिले में, क्योंकि किसी की प्राइवेट शादी होती है स्पेशली हम वीज़ा कराते हैं, टिकट करते हैं और शादी करके चले जाते हैं, वो फिर हम प्राइवेट शो उसके बाद हम कमर्शियल शोज़ नहीं करते, ऐसी भी सूरत हाल होती है, तो अलहमदिल्ला की काफ़ी अच्छी डिमांड है। और उसके बाद यही है कि आप सबसे दरख्वास्त है मीडिया के थ्रू कि नईम भाई का जो 22 अगस्त को है और 25 अगस्त को है, जो 28 अगस्त है, 29 अगस्त को है, उसको भरपूर शिरकत करें और जितनी भी टिकट्स हैं वो कोशिश करें ऑनलाइन लें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में जब पहुँचते हैं तो टिकट सम टाइम उनको मतलब कि मिलते नहीं हैं, तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थैंक यू करते हैं आप सबका कि आप तावन करते हैं, मीडिया का सबसे ज़्यादा शुक्रिया तमाम मीडिया का, मैं पर्दे पर नाम भी लूँगा कि रह जाएगा तो फिर तशनगी रह जाती है सब में, और इसलिए मैं
सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया ज़रूर आए, कवरेज करे शोज़ में भी, और हमारा हर किस्म का तावन अवेलेबल है। हैं, नईम हज़ारवी को पूरी दुनिया जानती है, आप आलमी सतह के गुलकार हैं और आपके बहुत से गीत जबान ज़दे आम हैं, हर शख्स इनके गीतकार है। मैं बगैर किसी तमजीद के जनाब नईम हज़ारवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, क्या ख्याल आपका इस बात का? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस जगह पे, क्योंकि हम हमारे लिए तो प्रदेश है, यहाँ पे आप हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं ताकि अपने सुनने वालों तक हम अपनी बात पहुँचा सकें, तो वो आपका शुक्रिया। और उसके बाद जैसा कि मैं इधर हर साल इसी वजह से आता हूँ कि हमारे मुल्क का एक खूबसूरत कल्चर है, एक खूबसूरत वहाँ का जो रिवाज है हमारी, जो उसमें जो फोक म्यूज़िक है हमारे पास, ये हमारा कल्चरल म्यूज़िक है और ये हमारी देसी मिट्टी की आवाज़ है, तो हमारी कोशिश होती है कि इस कल्चर को हम इधर डेवलप करें, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे अपने लोग हैं, तो ये ज़ुबानें, ये चीज़ें आपको सुनने और बोलने से ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा कहे वो लैंग्वेज नहीं बोलेगा तो वो कहे कि मैं उस लैंग्वेज के साथ जुड़ा रहूँगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम अपने लोगों में इधर आएँ, और जैसा कि मेरे शोज़ होते हैं तो मैं देखता हूँ और ये मुझे इस चीज़ से खुशी भी होती है कि कई दफ़ा लोग मेरे साथ, क्योंकि इंग्लिश में इधर ज़्यादा टॉक करते हैं लोग, लेकिन मैं देख रहा होता हूँ जैसे कि जुल्फ़िकार भाई ने कहा, हमारे जो 3-4 प्राइवेट शोज़ थे या जैसे कि हमारा 22 को था, तो लोग साथ साथ मेरे गा रहे थे और मुझे लगा कि उनको उन्होंने पूरे पूरे गाने याद किए हुए हैं, तो ये मुझे इससे बड़ी खुशी हुई है कि चलें भले इसी तरीके से म्यूज़िक की ज़ुबान से ही सही, लेकिन हमारी अपनी लैंग्वेज लोगों तक यहाँ पहुँच और लोगों का प्यार अपनी लैंग्वेज से, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई और हौसला अफजाई हुई। बहुत शुक्रिया। यकीनन नईम भाई की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ज़बानें सीखने में गीतों का और मौसीकी का बहुत एक बड़ा किरदार होता है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी बेटी ने थोड़ा पूछा, कुछ मीनिंग पूछे कि फलां का मीनिंग क्या है कि उर्दू के लफ्ज से, तो मैंने उसको बताया, तो इससे ये साबित हुआ कि मौसीकी भी ज़बानें सीखने का एक ज़रिया बन सकती है और है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कुछ सवाल करना चाहें तो। जी जाहिर सर, जो बरतानिया में जो अक्सर आप आते हैं तो भाई, यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया ब्रांड है उनके लिए खसूसी पैगाम और जो आपको पहले भी मिलता है उसके मतलब? उसके बारे में यही है कि हम तो चाहेंगे कि इनका प्यार हमारे साथ रहे, क्योंकि काम का हमारा उधर भी बड़ा बोझ होता है, लेकिन स्पेशल हम एक टाइम निकालते हैं, बल्कि पहले तो मैंने 2-3 दफ़ा इधर सर्दियों के मौसम में विज़िट किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे शोज़ बड़े ज़बरदस्त रहे। उस दफ़ा तो मैं ठीक टाइम पे आया हूँ क्योंकि मौसम भी, वेदर भी बड़ा अच्छा है, तो मैं इनसे बड़ा खुश होता हूँ। जैसे कि मैंने अभी पहले भी गुजारिश की है कि जब आप गा रहे हैं, सामने सुनने वाला अगर अपनी नशस्त पर बैठा हुआ है, वो किसी किस्म का वो नहीं कर रहा, तो आप भी फिर उसमें वो दिलचस्पी आर्टिस्ट की भी नहीं रहती। तो शोज़ कामयाब होने की वजह यही होती है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो पूरा पूरा भरपूर इंजॉय कर रहे होते हैं, मज़ा ले रहे होते हैं उस म्यूज़िक का, तो फिर हम उन्हें देख के हमारे अंदर और एनर्जी आती है। तो मैं हमारी कोशिश भी यही है कि हमारा यहाँ एक सिलसिला रहे और अपनी लैंग्वेज को हम प्रमोट करते रहें यहाँ पर, क्योंकि हम इस म्यूज़िक के हवाले से हम अपने मुल्क के सफ़ीर हैं और हम अपना अच्छा कल्चर, अच्छी मौसीकी ये अपने जो यहाँ पे बरतानिया में जो हमारे भाई हैं उन तक पहुँचाते रहें और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। आपकी कोई नई एल्बम आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने क्योंकि ये हमारा म्यूज़िक अब ओढ़ना बिछोना यही है, तो साथ साथ हम करते रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ से जब वापस जा रहा हूँ तो दुबई में हम तो एक अपनी इन चीज़ों के बारे में भी देख रहे हैं जो आइंदा हमने प्लान करना है शोज़, और उसके अलावा मेरे कुछ वीडियोज़ हैं हम वो शूट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह हम उसको रिलीज़ करेंगे। तकरीबन हमने 2-3 हमारे ऑडियो सॉन्ग मुकम्मल हो चुके हैं जिनकी वीडियो हमने उस पर काम करना है और पाकिस्तान में जाके उनको इंशाल्लाह हमने।
एल्बम तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं 92 से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम काफ़ी ज़माना हो गया है इस फील्ड में। तो अभी तो एक एक सॉन्ग रिलीज होता है यूट्यूब पे, तो मैं उस वक्त का आर्टिस्ट हूँ जब ऑडियो कैसेट का दौर था, वो एक कैसेट में 5-6 सॉन्ग होते थे, तो उस हिसाब से तो मेरे तकरीबन कोई 150 एल्बम मेरे आए हुए थे उस ज़माने के हिसाब से। तो उसके बाद ये जो हम सॉन्ग करते हैं रिलीज़ या जो लाइव, उसका तो हमें भी नहीं कोई खास हिसाब कि कितने कुछ होंगे, लेकिन बड़ा काम किया, अनलिमिटेड काम किया। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमेशा जब भी आते हैं मोहब्बत प्यार में देखते हैं, इस दफा आप बताइए कि स्माइल के साथ भी कुछ ऐसा नौजवान नहीं, मैं जैसे कि इन दोनों दोस्तों को काफ़ी टाइम से जानता हूँ और इनकी बड़ी मोहब्बत हमारे साथ रही है, स्माइल एड का ये काम कर रहे हैं, ये मुझे कुछ बता भी रहे थे और हम प्लान भी कर रहे हैं कि इनके साथ हम मिल के करें, बाकी तफसील तो इनको पता होगी क्योंकि मुझे वो नहीं है, मैं अपने उस टूर पे हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर हम करेंगे क्योंकि हमारे अंदर भी दिल है और हम भी दर्द दिल रखते हैं, तो मेरी भी कोशिश होगी कि ये जो अपना इस कार्य खैर का काम करते हैं उसमें साथ हमें भी रखें ताकि हमारे लिए भी कुछ आखिरत का खजाना हम भी समझ सकें। आपने कभी जैसे कि पाकिस्तान से अक्सर गुलकार जो इंडिया टूर करते हैं, आपने भी कभी किया? नहीं जी, मैंने वहाँ पे टूर टूर नहीं किया, हालांकि वहाँ सुनने वाले क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमें मैसेजेस या फोन कॉल आती रहती हैं, मोहब्बत तो क्योंकि म्यूज़िक इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इसकी सरहद नहीं है, ये मोहब्बत का एक वो साज है, एक मोहब्बत का ये पेशा है, तो बहरहाल वहाँ पे अभी तक मुझे मेरा इरादा इस तरह का नहीं है वहाँ जाने का, क्योंकि अपने मुल्क में हमारी कोशिश है कि हम उसकी अच्छी तरीके से नुमाइंदगी करें, हम अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं वो दुनिया तक पहुँचाएँ, तो अगर जाना भी हो तो मैंने जैसा कि कहा कि उसमें मसला नहीं है कि मोहब्बत करने वाले आपको जहाँ बुलाएँ आपको वहाँ जाना चाहिए, मोहब्बतें समेटनी चाहिए, मोहब्बतें बखेरनी चाहिए। एक और जड़ा वाला का हादसा हुआ पाकिस्तान में, आप एज ए गुरुकार इस पे क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी? जी बिल्कुल, मैंने वो सुना है, ये जो वाक्य हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसानियत ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है, इससे बढ़ के ना कोई कोई रिश्ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे मुल्क पे कोई असर पड़े, हमारे मुल्क के लिए कोई और मज़ीद मसाइल बने, हमें अपने मुल्क की, अपने घर की, अपने मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हम सब के लिए मसाइल पैदा हों, पूरी दुनिया में हमारे लोग हैं, फिर इस ऐसी हरकत की वजह से, ऐसे मामलों की वजह से उनके लिए मसाइल बनते हैं, वो भी फिर हमारा अपना नुकसान है, तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। नए आने और नए सीखने वालों के लिए मेरा यही मैसेज है, क्योंकि अभी तो थोड़ी दुनिया बड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि आप कम गा रहे होते हैं, कम काम आप काम कम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर ज़्यादा कर रहा होता है, तो उसके लिए यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस फील्ड में आएं, अपना नाम पैदा करें, कुछ करें, तो सबसे पहले जो है ना वो आपने मेहनत करनी, सीख के आएँ, क्योंकि बग़ैर सीखे कोई काम आप ठीक तरीके से नहीं कर सकते, वक्ती तौर बंदा खुश हो जाता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा है आप प्रॉपर सीखें, इस चीज़ को टाइम दें, क्योंकि ये म्यूज़िक, वो मेरे उस्ताद कहते थे बेटा ये म्यूज़िक ये कोई नवाला नहीं है कि आपने मुंह में डाल लिया और चला, नहीं, इसके लिए आप टाइम दें, इसको सीखें, आप ये म्यूज़िक आपके अंदर पूरा रच बस जाए ठीक तरीके से, फिर से आप करें तो ये एक बेहतरीन जॉब है, एक बेहतरीन पेशा है। और हम आपको तस्वीरें भी ले लें। हाँ जी, स्माइल एड के रूए रवां जनाब शहबाज सरवर साहब से, पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा आए, और साथ में नईम साहब का और भाई का अपना, ये मैं कहता हूँ कि फोक म्यूज़िक जो है ये हमारी ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जब हम पाकिस्तान को देखते हैं या अपनी ज़मीन को देखते हैं तो फोक म्यूज़िक वो म्यूज़िक है जिसमें पोइट्री है, जिसमें अपना आपको मतलब पता चलता है, आजकल काफ़ी गीत जो हम सुनते हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें बीट है लेकिन मतलब नहीं है, तो ये ऐसी म्यूज़िक है जो आप ट्रेडिशनल तरीके से सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, जो म्यूजिशियन भी बैठे होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स
بجاتے ہیں، وہ بھی ہماری ٹریڈیشنل سے ٹریڈیشن کے ساتھ اپنا رکھتے ہیں. تو اٹس نائس ٹو سی کہ جو آتے بھی ہیں ان ایونٹس پہ زیادہ تر فیملیز آتی ہیں، تو فیملیز کا ماحول جو ہے وہ بھی اس ملک میں بہت ضروری ہے، کیونکہ نارملی جتنے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم فیملی سے دور ہیں، تو یہ قریب لے کے آتے ہیں. تو اس طرح فوک میوزک جو ہے اٹس کیپٹیو آف آور کمیونٹی اینڈ آور کلچر. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اپنا سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی فیملیز کو لے کے آئیں، جو چھوٹے ہیں انہیں لے کے آئیں. جیسے نعیم بھائی نے کہا ہے کہ شاید ہمیں زبان نہ آتی ہو لیکن ہم جو گیت ہے یہ گنگناتے ہیں، جب گیت گنگناتے ہیں ان لفظوں کی پہچان ہوتی ہے، ان لفظوں کی سمجھ ہوتی ہے، اپنے کلچر کی بھی تھوڑی سی پہچان ہوتی ہے. تو اس لیے ان کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اس ملک میں آتے ہیں، ہمیں بھی اپنا تھوڑا سا انٹرٹین کرتے ہیں، جو اسٹریسفل ماحول میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا انٹرٹین کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے کلچر کو ساتھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایوری باڈی ایلس؟ محبوب بھائی ایک پھر مجھ سے رہ گیا. ہمارے سہیل بھائی ہیں، یہ پاکستان سے ہیں، میوزیشین ہیں، بہت پرانے کی بورڈسٹ ہیں اور میوزک ڈائریکٹر ہیں، میوزک پروڈیوس کر رہے ہیں اسپیشلی ٹور کے لیے پاکستان سے ہیں. ہاں جی، یہ سہیل بھائی کا خاص طور پر ذکر کرنا ضروری ہے کہ آپ ایک کی بورڈ پلیئر ہیں اور موسیقی کے بارے میں بہت سا علم رکھتے ہیں. جی آپ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. کافی اچھے سے بچپن سے میوزک کر رہا ہوں، اس میں میں نے بہت سارا میوزک کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے، بہت سارے پاکستانی آرٹسٹ ہیں، فیمس سانگس ہیں، اور میں کی بورڈ بھی پلے کرتا ہوں. کافی اچھے سے یو کے آ رہا ہوں تو مجھے اچانک سے ایک کال آئی اختر بھائی کی کہ نعیم بھائی کے نعیم بھائی نے ریکمینڈ کیا ٹور پلان ہو رہا تھا آپس میں ان کے ہمارے ساتھ. تو میں فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ میں نے یہ ٹور سب میں کر رہا ہوں ٹورسٹ، اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں نے بہت سارے ٹورسٹ بھی کیے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ ایک اسپیشل سا ایکسپیرئنس ہو رہا ہے اور ایک بالکل فیملی کی طرح بالکل، کیونکہ نعیم بھائی پرسنلی بہت ہمبل اور بڑے زبردست اور فیمس آرٹسٹ ہیں، اور ایسے ہی ذوالفقار بھائی ہیں، بلکہ پوری ٹیم ہی جو ہے میرا ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم ایکسپیرئنس ہے، اور بالکل ایسا ہی مجھے لگا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ بہت دیر سے دوسرے کو جانتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یو کے والے لوگ جس طرح سے ہمیشہ سے پیار کرتے ہیں اور جو پرفارمنس کرتے ہیں اور میوزک کو بہت پسند کرتے ہیں، تو وہ تو اچھا ہی لگ رہا ہے. اچھا بھائی، میں بھی ایک سوال کر لوں نعیم بھائی اور ذوالفقار بھائی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ دبئی کے ٹور کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، ابھی تو آپ نے ادھر جا کے انتظامات دیکھنے ہیں، آپ ان ٹورس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا آپ کو آڈینس ملے گا، کس طرح کے ادھر تو میں تو چونکہ جو معاملات دیکھنے ہیں وہ تو ذوالفقار بھائی نے دیکھنے ہیں، جو سارا انہوں نے پلان کرنا ہے، تو میں نے تو اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ جو میرے سننے والے ہیں یہاں، جو اگر آپ یو کے میں آتے ہیں تو یہاں کا ماحول تھوڑا سا اور ہے. یہاں وہ میں نے ایک دفعہ کچھ ادھر لندن ہی آیا ہوں تو میں نے ایک پردیش کے حوالے سے ایک سانگ گا رہا تھا وطن سے دوری، تو میرے ایک دوست سامنے بیٹھے تھے، کہتے ہیں نعیم بھائی اے پردیش نہیں، اے لوگ دعاؤں کرتے ہیں اعلیٰ پردیش لگے. تو یہ پردیش نہیں ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہم ادھر آئیں. وہ جو مڈل ایسٹ ہے نا، دبئی والا پردیش، وہ بڑا ہارڈ ورک وہاں پہ لوگوں کرنا پڑتا ہے، بڑے وہاں پہ ہمارے پردیش وہی ہے، اصل پردیش وہی ہے، وہ وطن سے دوری، اور پھر وہاں آپ کو پتا ہے بڑی سختیاں ہیں، ادھر نہیں ہیں. یہاں کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ الحمد للہ بڑے بہتر ہیں، تو وہ پھر ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کی آڈین اور اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے. وہاں کے لیے پھر ہمیں کچھ پردیش کے حوالے سے سانگ، وطن سے دوری، اس طرح کی چیز کہ ہم کرتے ہیں کہ ان کے وہ جو ان کی جو وہاں پہ پرابلم ہوتی ہیں ان پہ ہم کم از کم مرہم رکھ سکیں. اور کیونکہ ظاہر ہے اس چیز سے بھی بڑا بندے کو حوصلہ ملتا ہے، کوئی ٹینشن بندے کو ہو اکثر، تو میں میرا اپنا یہی ہے کہ میں اگر کوئی مجھے کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو میں کوئی اچھا میوزک سنتا ہوں، اس سے کافی بندہ بہتر فیل کرتا ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ کوشش ہے، باقی آپ کو ذوالفقار بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا پلان کرنا ہے. بیسیکلی نعیم بھائی سے باتیں پتہ چلی کہ ان کے تو بہت زیادہ آڈینس ہیں وہاں پر، اور بہت ہی اچھے فین فالوئنگ ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ موسٹلی مزدور طبقہ جو ہے
हो ज़्यादातर कश्मीर हज़ारा और पाकिस्तान के पंजाब के इलाके, जनूबी पंजाब बहुत जनूबी पंजाब है। बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो वो जब मैंने सुना और वहाँ पर मेरे दोस्त ने उनसे मशवरा किया कि ये बड़ा फ़ोन, तो वो कहते कि यहाँ पर आप 500-800 का नहीं कर सकते, यहाँ तो हज़ारों का चाहिए। तो हम उस हिसाब से बड़े स्केल को, फिर एकदम बड़े स्केल के लिए हमने किया। अब हमने नहीं भाई को वहाँ पर सिर्फ ब्रीफ करना है कि क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं, किस तरह से होंगे। और फिलहाल तो वहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक हॉट सीज़न है, गर्म चल रहा है, थोड़ा ठंडा होगा, तो हम उस हिसाब से प्लान करके, क्योंकि मैं पहले ही हमने उनको अनाउंस कर देना है इंशाल्लाह, वहाँ ठीक ठाक रेस्पॉन्स है इंशाल्लाह, रेगुलर हम कर लिया करेंगे। और साहब अपना कोई नया नया आने वाला तो मैं अभी आपको नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जो मशहूर हैं वो तो मेरी काफ़ी सॉन्ग है, लेकिन मैं अभी एक मेरे जहन में आ रहा था कि आँखों के बारे में जिक्र खैर है। सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, ए सोनिया अखियां यार दिया, वे बहु सोनिया अखियां यार दिया, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, वे बहु सोनिया अखियां यार दिया, वे बहु सोनिया अखियां यार दिया। तो मैं तो यही समझता हूँ, पहली चीज तो सरकार भाई आज के इवेंट के हीरो हैं, जैसे आप कह रहे थे, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग होते हैं जो कुछ चाहते नहीं, कुछ मांगते नहीं, और समटाइम हम भूल जाते हैं, बट ही इज अ ग्रेट गाय, और वाकई इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। हुस्नाबाजी भी करती थी, ये भी करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। नईम भाई के हिसाब से बात करूँ तो आई एम अ फैन ऑफ नईम भाई।